नजर आ रहे हैं, लेकिन टीम माफिया के दो काबिल प्लेयर है। 4v4 बैटल, ये काफी ज्यादा फैन फेवरेट वाली फाइट होने वाली है। टीम माफिया अगेंस्ट ओरांगोटान इलीट डैमेज डील कर चुके थे और वहां पे हाउस ऑफ ब्लड का खात्मा भी हो गया, लेकिन टीम माफिया देखते हैं लास्ट दो मैचेस में क्या कारनामा करके जाते हैं, कितने पॉइंट्स यहाँ पे गेन करते हैं, बिकॉज अभी तक लगातार कोशिश ही चल रहा है, प्रयास ही चल रहा है, लेकिन उसके मुताबिक नतीजे इनके कब्जे में नहीं आ रहे। 28 खिलाड़ी जीवित हैं, अगला सर्कल भी आने वाला, लेकिन इससे पहले टीम माफिया बैठ चुके, माफिया को भारी वर्कअप डैमेज एंड 150 का शॉट है। कुड इट बी ओरांगोटान मींस यहां पे पहाड़ी भी हो सकते हैं, ड्यूअल मेंटर का इस्तेमाल, और जी हां पहाड़ी की शायद नजर आ रहे हैं, लेकिन टीम माफिया के दो काबिल प्लेयर है। 4v4 बैटल, ये काफी ज्यादा फैन फेवरेट वाली फाइट होने वाली है। टीम माफिया अगेंस्ट ओरांगोटान इलीट, उसको देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाली है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इलीट का पलड़ा भारी हो सकता है, अगर यहाँ पे डिलीट चोक करते हैं पूरी की पूरी टीम आप मुश्किल से आ जाएगी, लेकिन माफिया फॉर्म में है या तो डेफिनेटली कह सकते हैं, और यहाँ पे लेकिन आरडीपी भी उस चीज के लिए तैयार से चार सकता प्रयास, लेकिन काफी ज्यादा दूर से डील करते हैं, माफिया वाला कवर के लिए आए हैं, रिवाइव देना चाहते हैं, लेकिन पीछे से भी किस तरीके से घेर रही है, इंपैक्टफुल ओरांगुटान की यहाँ पे स्ट्रेटजी नजर आती है। माफिया वाला तेजी से आगे बढ़ते हैं, पीछे से भी ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन हाथ में ग्रेनेड है, क्या ये ऑन पॉइंट रहेगा, पीछे से डैमेज देने की जरूरत यहाँ पे प्लेयर को, और भी कम एचपी है, मुश्किल लग रहे हैं माफिया वाला के हालात, माफिया तक भी हो जाएंगे, डिलीट को संभालना पड़ेगा, बिकॉज माफिया जैसे भी सही कवर दे रहे हैं, और देखिए ओरांगुटान के भी एक प्लेयर नॉकआउट हो चुके हैं, ग्रेनेड का डैमेज लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं, और माफिया वाला भी इसी बीच में नॉकआउट हो जाएंगे, बहुत मुश्किल में टीम माफिया, और एक बार फिर से अगर एलिमिनेट हुए तो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, देखिए डिलीट भी नहीं बच पाएंगे, और यहाँ पे फौजी अजय अकेले ही बचे, देखने वाली बात होगी, कदम पीछे हटाने का वक्त तो है, लेकिन शायद वहां पे जाते फाइट लड़ते तो टीम माफिया के जो नतीजे हैं वो कुछ और हो सकते। मैं इस वक्त सिर्फ एक ही चीज देख रहा हूँ, ओरांगुटान ने बिना एक भी बंदा गवाए माफिया को खदेड़ दिया है, यहाँ तारीफ होनी चाहिए यहाँ पे ओरांगुटान की, क्योंकि अगर आप देखें जिस किस्म से शुरुआती दिनों से माफिया फॉर्म में है उस हिसाब से तो मैं, और ये मुझे लग रहा है कप्तान फौजी अजय के लिए मुसीबत का सबब, क्योंकि ओजी चेस तो नहीं करेंगे इनको, लेकिन अगर एक आधा खिलाड़ी के रडार में आए तो फायर देने से पीछे भी नहीं हटेंगे, और ओरांगुटान ने डेफिनेटली यहाँ पे कहना पड़ेगा माफिया को खदेड़ दिया, बिकॉज बिना एक भी बंदा कवाए माफिया के तीन प्लेयर उन्होंने वहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, वेरी इंपैक्टफुल इंप्रेसिव परफॉर्मेंस बाय ओरांगुटान, मस्ट सी दिस। और जिस बारे में मैं बात कर रहा था कि शायद ओरांगुटान की भी नज़रें वहाँ पे हैं, और ओरांगुटान गिनती में भी बहुत अच्छी है, उन्हें भी समझ में आ गया है कि अगर ये गेम हम भुया कर देते हैं